बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज हम बनाएंगे आम और आइसक्रीम से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। जैसा कि गर्मी का मौसम अरूज पे है और जनाब मैंगो का सीज़न भी पीक पे है, हम आम के मौसम में घरों में तरह तरह की रेसिपीज बनाते हैं जो कि सभी बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन आप आम और आइसक्रीम ये सादा सी रेसिपी जरूर बनाइएगा, स्पेशली इस गर्मी के मौसम में सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी फटाफट से देख लेते हैं आम और मैंगो की रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 अदद आम। ये आम अच्छे खासे पके हुए हैं और रसीले हैं। पक्के आम से आपने ही ये रेसिपी बनानी है। आमों को मैंने अच्छी तरह से वाश करके तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। आप चेक कर सकते हैं कि आम यहाँ पे हमारे अच्छे खासे जमे हुए हैं, चेक कर सकते हैं, और ठंडे ठार हैं। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि खूबसूरत सी छुरी लेंगे और मैंगो के छिलके अच्छी तरह से उतार लेंगे। मैंगो का थोड़ा सा छिलका भी इस रेसिपी में नहीं आना चाहिए ताकि जब हम रेसिपी खाएं तो मैंगो का छिलका मुँह में ना आए। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक कर सकते हैं कि सारे मैंगो मैंने अच्छी तरह से ऐसे काट लिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइस। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मीठे आम हैं। आजकल गर्मी का सीज़न है तो आम का इस्तेमाल लाजमी किया करें। तो चलें जी अब ये सारे आम एक खूबसूरत से जूसर जग में ट्रांसफ़र करेंगे। खूबसूरत सा जूसर जग आ गया है। अब सारे स्लाइस मैंगो के इसमें शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें माशाल्लाह कितने रसीले और यहाँ पे ये मीठे आम हैं। सारे मैंगो मैंने जग में डाल दिए हैं। अब इसमें तकरीबन 1/2 लीटर दूध इस्तेमाल करेंगे। दूध आपने कच्चा इसमें इस्तेमाल नहीं करना, दूध को आपने अच्छी तरह से उबाल के ठंडा कर लेना है, फिर आपने इसमें दूध शामिल करना है। और दूध जनाब आपने यहाँ पे फुल फैट अच्छे वाला लेना है, पानी वाले दूध का इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे। हसबे जरूरत इसमें चीनी शामिल करेंगे, आप इसमें शक्कर गुड़ भी शामिल कर सकते हैं। मैं तकरीबन 1/2 कप, वजन की बात की जाए तो 1/2 कप मतलब कि 1/2 पाव इस्तेमाल करूंगा। अब जनाब इसको थोड़ा क्रीमी बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे 2 कप आइसक्रीम के। ये मेरे पास वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम है, आप मैंगो फ्लेवर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने वनीला फ्लेवर की ही इस्तेमाल करनी है। जब मैंगो और वनीला फ्लेवर आपस में मिक्स होंगे ना तो बहुत ही शानदार सा एक ना फ्लेवर आएगा। 2 कप इसमें मैंने शामिल कर दिए, आप किसी भी अच्छे ब्रांड की इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली रेसिपी स्पेशली गर्मियों में एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब ये सारी चीज़ें वैसे तो ठंडी हैं, आइसक्रीम भी इसमें डाल दी है, अब इसमें बर्फ़ शामिल करेंगे। जितना ज़्यादा ये ठंडा जूस होगा ना, जितनी ज़्यादा ये ठंडी रेसिपी होगी, उतना ही ज़्यादा ये टेस्टफुल और मज़ेदार बनेगा। तो चलें जी माशाल्लाह देखिए जग भर गया आइसक्रीम की वजह से। अब आपने अच्छी तरह से इसको ठीक ठाक ग्राइंड करना है, एक भी रेशा आम का इसमें नहीं रहना चाहिए। अमूमन हम जूस को थोड़ा सा मोटा सा ग्राइंड करते हैं मिल्क शेक वगैरह जब बनाते हैं, लेकिन नहीं, आपने इस आइसक्रीम के साथ आम को अच्छी तरह से मशीन में रगड़ना है तकरीबन 7 से 8 मिनट, फिर माशाल्लाह देखिए ये झागदार बनेगा और कितना फ्लेवरफुल बनेगा। ले जनाब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें जब आम और आइसक्रीम अच्छे से मैंने मिक्स की है, देखें माशाल्लाह कितनी झागदार सी रेसिपी तैयार हुई है। बड़ा ही ज़बरदस्त ड्रिंक तैयार हो गया है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा। स्पेशली बच्चों को ये पिलाइएगा, वो खुशी खुशी पियेंगे और जी भर के पियेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सादा सी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त, ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।